हे गाइस, वेलकम टू मी ट्रैवल्स। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप अपने हेलमेट पे एक एक्शन कैमरा कैसे माउंट कर सकते हो। तो माउंट का बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम छोटी सी राइड पे जाएंगे। मैंने ट्राई करना था कि माउंट कैसा हुआ कैमरा, कि हिल तो नहीं रहा या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो सारा हम अभी इसी वीडियो के एंड में बताते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि माउंट कैसे करते हैं अपना एक्शन कैमरा। और ये जो मैंने माउंट किया, ये मैंने विदाउट एमसील किया है। मैं एमसील नहीं लगाना चाहता था, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। सो ये रहा गाइस मेरा हेलमेट, ये स्टड्स का शिफ्टर है और ऐसा लगता है माउंट किया हुआ। एक बार मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, ये ऐसे लग रहा है। यहाँ पे आपको साइड पे दिख रहा होगा, ये जो टेप लगाई है मैंने, ये डबल साइडेड टेप है। और एक बार हेलमेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल ऐसा लगता है गाइस। तो एक जो रीज़न था कि मैंने एमसील नहीं चूज़ की, वो ये था गाइस, क्योंकि जब एमसील आप लगाते हो तो एमसील का भी वेट होता है। तो जब आप यहाँ पे लगाओगे तो एमसील, तो उसका जो वेट होता है वो भी इसमें ऐड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कि वो ग्रिप में थोड़ा इशू आ सकता है उसमें, जो कि मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे को लगता है कि उसमें ग्रिप में इशू आएगा ही आएगा, क्योंकि बिकॉज उसका वेट बढ़ जाएगा। और उसका वेट बढ़ जाएगा तो जो एडहेसिव है उसे होल्ड करना एमसील और कैमरे के वेट को थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अगर मैं गाइस ये बताऊं कि मैंने ये कैसे माउंट किया, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मैंने क्या किया। सबसे पहले ये जो एक पूरी डबल साइडेड टेप की लेयर लगाई थी यहाँ पे, ये दो लेयर्स हैं। सबसे पहले मैंने एक पूरी लेयर लगाई थी, पूरे एरिया को कवर कर दिया था, क्योंकि नॉर्मल जो एसडी कैम का एडहेसिव आता वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मेरे को पूरी डबल साइडेड टेप की लेयर लगानी पड़ी पूरे बैक पे माउंट के। तो उसके बाद जब आप माउंट के ऊपर लगा देते, उसके बाद आप सिर्फ एक काम करना है कि आप सिर्फ बाउंड्रीज़ पे लगा देना, सिर्फ यहाँ बाउंड्रीज़ पे। मैं पास ला के बताता हूँ, सिर्फ यहाँ बाउंड्रीज़ पे टेप लगा देना। बिकॉज उससे क्या होगा कि अगर आपका हेलमेट आगे से कर्व हेलमेट है ना, और साइड पे स्पेस बचती है, तो स्पेस कवर हो जाएगी। और अभी हेलमेट को मैं रखता हूँ साइड पे, और मैं आपको बताता हूँ कि जब स्पेस कवर हो जाएगी ना, तो उसके बाद एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं एरल डाइट। एरल डाइट आप साइड पे लगा दो, और विद इन आई गेस कि वन डे के लिए आप उसे लीव कर देना, तो आपका हेलमेट के ऊपर जो वो माउंट लगेगा वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। ये मेरा एक्शन कैमरा है, ठीक है, मैं हेलमेट को जैसे मर्जी ला दूँ, ऐसे ऐसे जैसे मर्जी ला दूँ, कि ये एक्शन कैमरा यहाँ से नहीं हिलने वाला, ये यहीं टिका रहेगा। तो मैं इसे वाटरप्रूफ केसिंग में भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लेंस लूंस पर अगर कुछ पड़ गया, आपको पता है इंडिया में डस्ट कितनी होती है, तो लेंस ख़राब हो सकती है, तो मैं वाटरप्रूफ केसिंग में यूज़ करता हूँ। अभी मैंने इसका माइक परचेज़ नहीं किया है, मैं माइक इसका भी जल्दी परचेज़ करूँगा। तो अभी हम चलते हैं गाइस छोटी सी राइड पे, जो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कहाँ की थी, और साइड बाय साइड में उसका वॉइस ओवर करूँगा। हे गाइस, एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था कि अगर आप एरल डाइट लगा रहे हो, जब भी आप एरल डाइट लगाओगे अपने हेलमेट पे, तो हेलमेट का वाइज़र ज़रूर उतार देना, क्योंकि अगर आप उसके वाइज़र पे ज़रा सी भी एरल डाइट लगी तो हेलमेट के वाइज़र को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी। और गाइस, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी और किसी काम की लगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। गाइस, अभी हम चलते हैं टेस्ट फुटेज की तरफ, और नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम राइड पर जा रहे हैं। डेस्टिनेशन मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, अगली वीडियो में आप खुद देखना कौन सी डेस्टिनेशन होगी, और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग इन्जॉय करना। तो ठीक है गाइस, चलते हैं टेस्ट फुटेज पे। ठीक गाइस, तो हम आ गए अपनी छोटी सी राइड पे, और अभी हमें यहाँ पे जीटी रोड पे, और जीटी रोड से हम सीधा जाएंगे शंभू बैरियर पे, वहाँ से हम यूटर्न लेके यहीं से वापस आएंगे। और यहाँ पे अचानक मेरे को नहीं पता यहाँ पे लोग क्यों खड़े हुए थे। एनीवेज गाइस, तो अभी हम चलते हैं अपनी राइड पे, बाइक हमारी गई है सर्विस पे, तो मैं एक्टिवा पे आया हूँ, और एक्टिवा पे हम अपनी राइड करेंगे। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एक्टिवा पे आना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा गियर वियर नहीं चेंज करने पड़ते हो, थोड़ा वैसे भी अच्छा रहता है। तो गाइस, आप करिए राइड इंजॉय, और मैं भी टाइम लैप्स चलाता हूँ। ये गाइस फर्स्ट टाइम है जब मैं इतनी खाली रोड्स देख रहा हूँ, पहले ऐसे कभी मैंने नहीं देखी। राइट साइड किसी का शायद चलान कट रहा है। एनीवेज गाइस, तो एक अच्छी बात आज ये हुई कि मेरा जो स्पीडोमीटर है एक्टिवा का, वो वर्क करना बंद कर गया था दो दिन पहले, तो किसी को पता नहीं चलेगी मैं कौन से स्पीड पर राइड कर रहा हूँ। और यहाँ से पहले मैंने सोचा था कि मैं यू टर्न लेके लेफ्ट हो जाऊँ, बट यहाँ से कोई रास्ता निकल नहीं रहा था, तो मैंने सीधा जाने के लिए सोचा। तो अभी हम यहाँ से सीधा वहीं बैरियर पर चलते हैं, और बैरियर से हम यू टर्न लेते हैं, और फिर देखते हैं कि यार कुछ देखने के लिए मिलता है यहाँ पे या नहीं।
और ये आ गया है गाइस बैरियर, और यहाँ पे बैरियर यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है बिकॉज यहाँ पे कोई फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप देखो तो आपको प्रोटेस्ट होते हुए दिखेगा, तो बैरियर यहाँ पे बंद है। और यहाँ इसे बस अभी हम यू टर्न लेते हैं और वापस चलते हैं। यहाँ पे बैरियर्स पे यूजली बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो यहाँ पे राइड करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है बिकॉज यहाँ पे एक ही लाइन में देखो, अगर आप देखो ध्यान से चार चार स्पीड ब्रेकर हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ से आप फास्ट तो जा नहीं सकते। और यहीं से गाइस अगर आप सीधा जाओगे तो अगर फ्लाईओवर आएगा एक, और फ्लाईओवर जो जाता है वो लुधियाना को जाता है, बट हम फ्लाईओवर पे नहीं जाएंगे, हम फ्लाईओवर से नीचे से जाएंगे क्योंकि हमने वापस जाना है। ये जो क्या गाइस आप कट देख रहे हो, एक्चुअली में कट नहीं था ये गाइस, कैमरा की ही सेटिंग है कि कैमरा 3 मिनट्स बाद जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीडियो शुरू कर देता था पिछली वीडियो को रोक के। तो अगली वीडियो में गाइस ऐसा नहीं होएगा क्योंकि अभी मैंने सेटिंग चेंज कर दी है। और अगर गाइस आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और ये अभी हमारी अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें हम एक राइड पे जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। अभी मैं डेस्टिनेशन ऑफ कोर्स रिवील नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना। ये एक किस्म से मतलब मैंने वार्म अप वीडियो बना ली थी राइड से पहले की, कि एक बार सारी गियर और कैमरा टेस्ट हो जाए और ऑडियो कैसी आ रही है। ऑल्दो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी, मैंने कैमरे के साथ माइक नहीं लगाया हुआ जैसे आप लोगों को पता है। और ये लेफ्ट वाली जो रोड है मेरे को नहीं पता कहाँ जा रही है, बट चलिए गाइस अभी हम आ गए हैं फ्लाईओवर के नीचे वाली साइड। और अभी यहाँ से अभी हम जाएंगे दोबारा से यू टर्न लेके बैरियर की तरफ, और फिर वहाँ से हम घर पहुँचते हैं गाइस। तो तब तक मैं टाइम लैप्स ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो गैस जैसा आप देख रहे हो कि कैमरा बिल्कुल नहीं हिल रहा है, मतलब कैमरा फिक्स हो चुका है, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहा। तो आप बिना किसी टेंशन के ट्राई कर लेना। तो गैस अगर अभी हम कैमरे की बात करें तो जो इसकी स्टेबलाइजेशन है वो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, और इसका जो जायरो स्टेबलाइजेशन है वो भी मैंने लो पे किया है। 3 मोड होते हैं, एक ऑफ लो और एक हाई, तो अभी ये लो पे है और स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जब आप राइट या लेफ्ट कहीं पे भी देखते हैं तो जो विंड रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। राइट साइड फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एयर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप हाई स्पीड पे हो तो अवॉइड करो ऐसे देखना इधर उधर, और अवॉइड नहीं कर सकते तो आप थोड़ा स्पीड स्लो कर लेना। तो ठीक है गाइस, यहाँ से मैं बस वीडियो बंद करता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगली वीडियो में हम जाने वाले हैं राइड पे, तो उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। बहुत ही ऑसम वीडियोस आने वाली हैं गाइस इस चैनल पे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर गाइस, और मिलते हैं अगली राइड पे।